सलमान खान अपने कठिन समय में शाहरुख खान के सच्चे दोस्त साबित हो रहे हैं। किंग खान का परिवार इस समय काफी तनाव में है, क्योंकि उनका बड़ा बेटा आर्यन खान गिरफ्तार होने के बाद से जेल में है। आर्यन खान को एनसीबी अधिकारियों ने 2 अक्टूबर को एक क्रूज पर रेव पार्टी का भांडाफोड़ करने के बाद से हिरासत में लिया था। हालांकि कथित तौर पर आर्यन के पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला था। इसके बाद आर्यन को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आर्यन खान इस समय आर्थर रोड जेल में है और आज 13 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। लेकिन उससे पहले सलमान खान ने शाहरुख खान से उनके बंगले मन्नत पहुंचकर मुलाकात की है। मन्नत में घुसते हुए सलमान खान की कार देखी गई और उनके साथ पिता सलीम खान की कार भी मन्नत के बाहर स्पॉट की गई। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आई है। 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सलमान खान सबसे पहले मन्नत पहुंचे और शाहरुख खान के साथ रहे। सलमान के अलावा उनकी बहन अलविरा खान भी गौरी खान और शाहरुख खान को अपना सपोर्ट देने के लिए मन्नत पहुंची। आज आर्यन खान की जमानत याचिका पर सेंसन कोर्ट में सुनवाई होगी। हाल ही में यह बताया गया था कि शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे के जेल में होने के कारण रातों की नींद हराम हो गई है। यह भी बताया गया था कि वे अपने बेटे के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को कई कॉल्स करते रहते थे। जमानत मिलने के बाद क्या आर्यन खान बुधवार 13 अक्टूबर को घर जाएंगे या नहीं, यह जानने का इंतजार फिल्म जगत की तमाम फैंस को है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और भी ट्रेंडी न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।